प्रोडक्ट वाइज डेटा है, कस्टमर टाइप है, एक सेल्स पर्सन का नाम है, और फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये आगे तक डेटा चलता चला गया, 2-3 साल की सेल्स है ठीक इनकी, ठीक है जी, अलग अलग रीजन की। अब मुझे ये डेटा को क्या करना है, डैशबोर्ड से रिप्रेजेंट करना है। तो डैशबोर्ड में सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हम कंट्रोल्स के थ्रू जो है इसके एक्सेस कर पाएँ डैशबोर्ड को। जैसा कि इसमें देखेंगे तो इसमें ये जो मेरा पास यहाँ पे चार्ट है, ये चार्ट मेरा इन फिल्टर्स पे वर्क करता है, अलग अलग फिल्टर्स पे। यहाँ से मैं स्टार्टिंग मंथ और एंड मंथ यहाँ से चूज कर सकता हूँ, रीजन पे मेरा फिल्टर है तो उस हिसाब से ये फिल्टर होता रहता है। पर जब ये जहाँ भी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, अपनी डेटा शीट में सबसे नीचे कई सारे फॉर्मूले के थ्रू ये वैल्यू लाया हूँ। पहले मैंने क्या किया कि मैंने सेल्स पर्सन वाइज सेल्स को सम इफ का फॉर्मूला लगा दिया, और जनवरी में हर एक सेल्स पर्सन की कितनी है ये सब करके यहाँ पे टोटल लाया, और वो भी फिल्टर्ड डेटा। जैसे अगर मैं रीजन वाइज कर रहा हूँ, यहाँ 2 करूँगा तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिल्टर चल रहे हैं मेरे, रीजन, प्रोडक्ट और कस्टमर। अब ये डेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है मेरा, सम इफ का एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जनवरी में इसकी कितनी सेल है इस फिल्टर के बेस पे, जब रीजन ईस्ट हो। स्टार का मतलब है सारा, ऑल सारे प्रोडक्ट दिखाए, कस्टमर जो है वो प्लेनेट, ये कस्टमर है। स्टार कहीं भी हाँ, लगा देते हैं तो सारा हो जाता है। वो कैसे होगा, स्टार का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टार, जब आपको कुछ भी ना पता हो तो खाली स्टार लगा सकते हैं। जैसे काउंट इफ में अगर हम सिर्फ स्टार लगा दें ना, काउंट इफ का फंक्शन है, मैंने बताया था कि जब ये टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं तो कोई भी रेंज में, अगर मैंने रेंज दे दी और इसमें क्राइटेरिया मैंने खाली स्टार दे दिया तो ये सब कुछ दे देगा। ठीक है, हाँ सारा पकड़ लेगा, राइट। मतलब इसके अंदर ही कुछ इसी तरह से ये सारा ही पकड़ता क्राइटेरिया, यहाँ नहीं पकड़ता पर वैसे। आई थिंक कोई भी एक फॉर्मूला आप जो कंप्लीट आपने लिए है ना, वो एक फॉर्मूला ही पूरा कंप्लीट एक करा दो, बाकी तो फिर कराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो उससे पूरा टेबल ये वाला तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें जैसे अभी सम इफ्स। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस डेटा पे ये चीज़ बनाता हूँ, ऊपर वाली वो यही नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं मुझे, इन तीनों से, इन तीनों पे मैं लगाऊंगा फिल्टर। इसको फिल्टर के लिए आगे मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ लगा दूंगा फिल्टर या कहीं भी लगा दूंगा। अब सेल्स पर्सन के नाम, पहले तो मुझे यूनिक लिस्ट चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगा, यूनिक लिस्ट के लिए कॉपी कीजिए और इसको कहीं भी लाके सिलेक्शन रहने दीजिए, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर दीजिए, तो आपको एक यूनिक लिस्ट मिल जाएगी। ये चार ही बंदे हैं, ये सेल्स पर्सन में आ गए मेरे सीधे सीधे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है जिसमें सम रेंज मेरी है जनवरी में, पूरी जनवरी वाली मैंने चूज कर ली, ठीक है। ठीक है जी। सम रेंज ये हो गई, और क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी हो गई, नेम वाली, तो नेम वाले मैंने चूज कर लिए, और इसमें क्राइटेरिया जो रहेगा मेरा वो ये नेम का रहेगा। तो पहला तो इससे बात बन गई मेरी, ठीक है जी। इसको क्या करता हूँ मैं, क्योंकि इसको अब मैं फॉर्मूला ऐसा चाह रहा हूँ ड्रैग करूँ, ड्रैग करने पे मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम चेंज हो, तो यहाँ पे इसको कॉलम पे फ्रीजिंग हटा दूंगा, रो पे रहने दूंगा। दूसरा तो अभी इसमें मैं, एक ही क्राइटेरिया, अभी नाम का ही क्राइटेरिया है इसमें ना। हाँ अभी नाम का ही है, बस नाम का ठीक है, हम
धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया क्लियर भी होना चाहिए ना सर। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, तो अभी हमने एक क्राइटेरिया ले लिया कि सबका टोटल हमको दिखाया, अभी यहाँ 75,000 समथिंग दिखा रहा है, 75,002, इसको चेक करते हैं, 75,002। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, नाम के बेस पे ले रहा है फिलहाल। ये सारा डाटा आ गया मेरा, तो नाम के बेस पे ले रहा है। अब दूसरी बात थी कि ठीक मैंने है फिल्टर लगाने हैं, कुछ फिल्टर के लिए क्या करूँगा, मेरे को एक लिस्ट चाहिए होगी, लिस्ट कैसी, ये वाली टाइप हटा देता हूँ। अच्छा कस्टमर टाइप, ये आपका वही है। हाँ अब इसमें मैंने उसी प्रोसेस से यूनिक करके वैल्यूज उठाई उठाई हुई है, बस इसमें मैंने क्या ठीक किया है। है कि इनके ऊपर एक स्टार छोड़, रिपीटेबिलिटी इसमें भी हटा दी है। हाँ इसमें भी हटा दिए सेम प्रोसीजर से, बस इसमें मैंने क्या किया है ये स्टार लगा दिया है। ठीक है जी, स्टार का मतलब स्टार का मतलब ऑल। ऑल होता है, ओके अब आप समझ इसको समझ लीजिए कि ये ऑल है। इसमें अगर हम जैसे सेल्स में है, सेल्स में भी अगर हम स्टार एक और ऐड कर देंगे तो उसमें ऑल का भी आ सकता है। स्टार में अगर मेरा क्राइटेरिया में मैं मान लो अभी नाम लिख रहा हूँ, क्राइटेरिया में मैं अगर मैं स्टार डालता हूँ तो क्या सबका नाम का एडिशन आ जाएगा क्या? वो सारा ही ले लेगा, वो नॉर्मल सम फंक्शन बन जाएगा आपका, कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं नॉर्मल सब। ऑल के ठीक है लिए। ठीक है ठीक ठीक है जी, अब क्या है कि सबसे पहले अब ये रीजन प्रोडक्ट और ये अब कंट्रोल जो मेरे हैं वो नंबर पे वर्क करते हैं, जैसे इसमें जो होगा ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, इसी तरह से वर्क करेंगे। यानी कोई भी नंबर दूं मैं यहाँ तो उसको इस लिस्ट में से उठा के दे, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा खाली रेफरेंस के लिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चेंजिंग होगी कंट्रोल्स में हमारे। तो इंडेक्स में मैंने एक एरे दे दिया और इसमें जो रो नंबर है वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है जी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आपका स्टार ही आएगा, यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये वो हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट दूसरा सिलेक्ट हो जाता है। इंडेक्स क्या करता है? 5 पे कुछ नहीं, 4 इंडेक्स सर क्या कर रहा है ना, जैसे आप इसमें देखेंगे तो पहली पोजीशन पे ये है, सिलेक्शन में मेरे पहली पोजीशन पे है, ये है स्टार है, सेकंड पोजीशन पे ईस्ट है, थर्ड पे नॉर्थ है, फोर्थ पे साउथ है, फिफ्थ पे वेस्ट है, तो इसके अंदर से जो भी नंबर वहाँ से यहाँ लिखा होगा वो उस नंबर की वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। तो पहले नंबर पे क्या है, स्टार है। अब हम प्रोडक्ट वाले पे आते हैं, अब यहाँ वाले इंडेक्स पे देखेंगे तो सिलेक्शन ये है, यहाँ क्या लिखा है 3, थर्ड रो नंबर 1 2 3 लाइट सेवर लिखा हुआ है और वही आ रहा है। ठीक सुनाई है, नहीं दे रहा। सुनाई सुनाई नहीं दे रहा संदीप। ये कह रहे थे सर कि ये जो आपका ये जो सिलेक्शन है ना इसके अंदर जो पोजीशन है हमारी वो इस तरह से हुई है, देखिए 1 2 3 4 5, तो जो नंबर मैं यहाँ डालूंगा ना उसी नंबर की वैल्यू यहाँ दिखा देगा। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ का इंडेक्स फॉर्मूला चेक करूँ तो इंडेक्स फॉर्मूला में पहला क्या होता है, एरे होता है, तो एरे मैंने ये ले लिया, दूसरा होता है ठीक है रो नंबर, रो नंबर मैंने यहाँ से लिया कि इस रो नंबर की वैल्यू रखो, तो रो नंबर 1 कौन सी हो गई इस सिलेक्शन के अंदर, जो स्टार है। ठीक है जी, स्टार। हाँ जी, इसी तरह से अगला वाला अगर हम देखते हैं ये वाला, तो इसमें मेरा जो एरे है वो ये है और इसके अंदर जो रो नंबर है मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये, तो थर्ड नंबर की वैल्यू कौन सी हुई, लाइट सेबर। ठीक है जी, इंडेक्स नॉर्मली इंडेक्स है, कोई हमने लिस्ट पकड़ा दी उसमें से बोला कि पहले नंबर की वैल्यू दे दो, दूसरे नंबर की दे दो, तीसरे नंबर की दे दो, ये करता है।
ठीक है जी। कंफ्यूजन है इसमें, क्लैरिटी है। नहीं ये फिर इंडेक्सिंग हम जनरली करते किस लिए, इसका फंक्शन क्या रहता है? अभी जो हम कर रहे हैं उसको पहले हमने इधर इंडेक्सिंग में क्यों कर रहा एग्जैक्ट हूँ, देखिए सर, अब मुझे कुछ फिल्टर लगाने हैं। अब जैसे समीप का क्राइटेरिया तो मैंने यहाँ से दे दिया नेम वाला, ठीक है जी। एक क्राइटेरिया मेरा होता है कि जो कस्टमर टाइप है वो प्लेनेट हो, ठीक है जी। तो समीप में अगर मैं एक और क्राइटेरिया ऐड करता हूँ कि जहाँ प्लेनेट की सेल हो वो दिखाएं खाली। अब देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको अब मैं आगे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या दिया, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू में मैंने ये दे दिया, ये वाला प्लेनेट वाला आपका सारा जो है, ठीक है जी, ये दे दिया। और क्राइटेरिया जो मैं चूज करूँगा ये प्लेनेट प्रोडक्ट वाला, वो मैं प्रोडक्ट चूज करूँगा यहाँ से, ठीक है जी। अभी ये यहाँ से हम क्या चूज कर रहे हैं? अभी यहाँ से हम क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं। हाँ जी, क्राइटेरिया चूज़ किया आपने। अब देखिए मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ और अभी आपको इसका रिजल्ट पता पड़ जाएगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, समीप के अंदर एक और क्राइटेरिया ऐड हो चुका है, जो कि है कि जो कस्टमर टाइप है जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज ये है कस्टमर टाइप की यहाँ से, और कस्टमर टाइप कौन सा क्राइटेरिया है वो यहाँ से उठा रहा है, तो प्लेनेट का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हैं वैल्यू, अब मुझे चाहिए सबकी वैल्यू, तो जैसे वन चूज करूंगा ऑल आएगा और ये सारी की सारी वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है जी। दो चूज करूंगा तो ठीक है एंटरप्राइजेस वाले की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, क्योंकि ठीक क्राइटेरिया है यहाँ ठीक से है उठ रहा ठीक है है। इसी तरह से इन सब ओके को भी ओके मैंने ऐड करना है। कुल मिला के फिल्टरिंग का प्रोसेस किया है, क्यों किया है देखिए सर, इसको शॉर्ट में और शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स लगा देता हूँ, कॉम्बो बॉक्स लगा दिया मैंने, एक कॉम्बो बॉक्स, यहाँ कॉम्बो बॉक्स है, इसके अंदर मैंने एक इनपुट रेंज यहाँ से करवा दी ये प्रोडक्ट की, ठीक है जी। सेल लिंक जो है मैंने ये वाला दे दिया, तो अब क्या होगा इसके अंदर, अभी इसमें से जो भी मैं चूज करूँगा उसके हिसाब से मेरा डेटा फिल्टर होना शुरू हो गया, ठीक है सर, सही है। है ना। ओके ओके समझा। इसका मतलब है अभी जब जो हम ये फिल्टर साइड में हमने फिल्टर क्रिएट किए हैं हाँ तो अलग से उसमें इस इसको ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए या उसमें ऐड करने के लिए हम कर रहे हैं। हाँ जी, हमें ना क्योंकि सारा काम जो भी डैशबोर्ड का है वो डेटा से रिलेटेड है, चार्ट तो बस एक पार्ट है, चार्ट से कोई ठीक है मतलब नहीं, ठीक है चार्ट तो जो आप डेटा दोगे वही दिखाएगा। अब मैं एग्जैक्टली मान लीजिए इस पे चार्ट लगा देता हूँ तो मेरे को वो डेटा दिखाएगा जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो समीप के थ्रू यहाँ से डेटा चेंज करता जा रहा है जी। सही है। अब ऐसे जैसा मैंने आपको दिखाया कि एक फिल्टर लगाया मैंने, ऐसे तीन फिल्टर लगाने हैं मैंने प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे समीप पे वो लगाना पड़ेगा एक और क्राइटेरिया। अभी कस्टमर टाइप का दिया मैंने, अब ये मैं देता हूँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का यहाँ से है, प्रोडक्ट का दे दिया मैंने और क्राइटेरिया चूज कर दिया यहाँ से, फिक्स करता जा रहा हूँ मैं सबको, रीजन मैंने इधर से दे दिया और रीजन का क्राइटेरिया मैंने दे दिया यहाँ से। अब ये सारी वैल्यू इस पर डिपेंड हो गई है इन फिल्टर्स पे, जैसे जैसे तो ये जो हम यहाँ क्राइटेरिया ये जो हम लिखाते हैं सम इफ्स, ये जनरली इसमें जितने भी क्राइटेरिया ले सकता है इसका मतलब हमारे पास उतने वेरिएबल्स हैं राइट करेक्ट ना? करेक्ट सर करेक्ट, उसमें इतने वेरिएबल्स हैं मतलब प्रोडक्ट टाइप भी है, उसमें कंपनी का नाम भी हो सकता है, उसमें आदमी का नाम भी हो सकता है, और चाहिए हाँ 50 वेरिएबल चाहिए, 50 वेरिएबल आप ले उतने ले सकता है सकते हैं, ले सकते हैं। अब सारा खेल ठीक यहीं है। तो से है कोई कि भी इस तरह का कोई भी इस तरह का अगर हमें डैशबोर्ड बनाना हो जहाँ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो हाँ जी, हाँ जी तो उस केस में आई थिंक यही प्रोसीजर रहेगा कि पहले हम एटलीस्ट एक सम इफ से एक क्राइटेरिया पहले फिक्स कर लें, हाँ जी, हाँ बाद जी, में जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको फिल्टर करके इसके साथ ऐड करते जाएं फॉर्मूला टू फॉर्मूला, वैसा करना हाँ
हाँ जी देखिए, जहाँ पे आपको समराइज्ड वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे सम इफ, एवरेज इफ वगैरह, काउंट इफ यूज कर सकते हैं, जहाँ आपको समरी चाहिए। ठीक है जी, जैसे ये हो गई एक समरी हो गई। और जहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू ही चाहिए, जैसे दिल्ली का चार्ट दिखाना है, फरीदाबाद का चार्ट दिखाना है, पूना का, महाराष्ट्र का, वैल्यू वही चाहिए, तो वहाँ पे हमें क्या लगाएंगे, अपना ए ऑफसेट वाला फंक्शन, ऑफसेट या इंडेक्स वाला। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमें सेम वैल्यू चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, इंडेक्स का। ठीक है जी, और ऑफसेट वगैरह से ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये नंबर पे काम करते हैं। ठीक है जी, यही नंबर हम कंट्रोल में पास करते हैं, बस सारा खेल इतना ही है। ठीक है। ठीक है जी, अब एक और चीज़ देखते हैं। ये मैंने इस डैशबोर्ड में जो अपना ये मैंने बनाया था, यहाँ पे अभी मैंने जो वर्किंग कराई वो इनके लिए कराई, एक तो प्रोडक्ट वाला जो था, ऑल ग्लू गन ये सब लाइट सेबर, ये इसके लिए था, कस्टमर वाला फिल्टर यहाँ पे, और रीजन वाला फिल्टर यहाँ पे। ठीक है जी, ये रीजन तीन, वाला कहाँ है? ये हाँ रहा। रीजन वाला यार, ठीक है ठीक ठीक है है जी, ठीक है। अभी मैंने इसके लिए करवाया। अब बात करते हैं इसकी स्टार्ट मंथ और एंड मंथ का, क्योंकि यहाँ आई जब मीन मैं, उसे अभी जो आप दिखा रहे हैं ना इधर, एक मिनट, जो ये प्रोडक्ट, कस्टमर और रीजन, हाँ जी उसमें आप एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, राइट ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई वो नहीं है, कितने भी ले सकते हैं, नंबर सिस्टम है हाँ, तो ना। इसकी कॉम्बिनेशन जो है अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 ये आपका हो जाएगा 4 8 32, 324 कॉम्बिनेशन हम इसमें दिखा सकते हैं, राइट ना? हाँ, अभी इसके हिसाब से तो इतना ही दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, तो अभी बाकी चलते हैं इस पे। अब ये देखते हैं स्टार्ट मंथ वाला कैसे करना है, क्योंकि उसके हिसाब से भी डेटा दिखा रहा है। अब इसके डेटा में देखिए क्या किया है, वहाँ तक तो सब कुछ सही हुआ है। यहाँ पे डेटा मैं इसी प्रोसीजर से हेलो, ला रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा? हेलो सर, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे इस कारण से। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा संदीप? आपका भी स्लो आ रहा है सर, नेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे थोड़ा सा। हेलो, सुनाई हेलो नहीं दे रहा? हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा संदीप? मेरा माइक तो यहाँ से तेज बता रहा है। हेलो, अरे नेट बंद हो गया क्या? अरे हेलो, कि इसके अंदर जो हमने अभी काम किया वो क्या किया, यहाँ पे जनवरी फरवरी तो हमें, हमने सारे ही मंथ ले रखे हैं, फिल्टर यहीं से काम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ का तो अब तक हो गया। इसके बाद क्या करना था हमें कि जो डेटा है ना, वो डेट को हमने यहाँ पे लाना था। जैसे मैंने यहाँ 5 दिया, यहाँ डेट चेंज हुई, यहाँ पे भी डेट चेंज हो गई, और यहाँ पे ये डेटा ही चेंज हो गया पूरा। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट वाला डालता हूँ तो ये इस डेट से लेकर इस डेट तक की डेट दिखाएगा यहाँ, उसके हिसाब से ये डेटा दिखा रहा है। अब देखिए ये कैसे करना है। तो हम कंट्रोल किससे किसको कर रहे हैं एक्चुअली? जो ऊपर वाला फिगर है जहां आप क्लिक करते हैं और यहाँ चेंज हो जाता है, तो कंट्रोल हम कैसे कर रहे हैं, कौन से फॉर्मूला से? अभी दिखा रहा हूँ सर, वो भी सब इंडेक्स मैच ही चल रहा है सर, इंडेक्स मैच अच्छा ऑफसेट यही चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने फील्ड तो पूरी लेनी है, हम यहाँ पे करवाते हैं सारा काम। ठीक है जी, फील्ड पूरी ले लेता हूँ, फॉर्मूला हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मुझे चाहिए स्टार्ट डेट का और एंड डेट का। अब इसमें क्या है, स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने कहाँ ले रखी है, यहाँ पे स्टार्ट मंथ का जो है और एंड मंथ का, यहाँ पे दो कॉम्बो बॉक्स है जिसके अंदर सेम डेट
मैंने डाल रखी है, तो वो कैसे करेंगे इसके लिए, इसकी भी हमें पूरी लिस्ट चाहिए होगी। क्या करेंगे, ये जो मंथ है इसको उठा के एक जगह लिस्ट में वो कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसी से हम वो भी लेंगे, क्या नाम है, कंट्रोल्स में, कॉम्बो बॉक्स में, जब ये इस तरह से डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है मतलब रोज में, तभी लेता है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन देना चाहूँ तो नहीं लेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर बनाना है कि एक डालूँ तो ये वाली डेट आ जाए, दो डालूँ तो वही डेट आ जाए। तो यहाँ जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ पे हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, और रो नंबर जो है मैं ऊपर से चूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको डेट के फॉर्मेट में कर लेता हूँ क्योंकि डेट का ही है ये। तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं जब जैसे ही यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसमें से मुझे वो इंडेक्स पोजीशन उठा के दे दे रहा है। ठीक है जी, अब इसको मैं कनेक्ट करूँगा कॉम्बो बॉक्स से। अब इसके बेस पे ये डेटा दिखाए ऐसा मुझे करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट को क्या करता हूँ मैं, इक्वल टू करके यहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है जी, अब क्या है कि स्टार्टिंग डेट मेरी इससे कंट्रोल होने लगी। अब दूसरे में मैंने बहुत सिंपल चीज़ देनी है, एक फार्मूला देना है। ई डेट का फार्मूला जो है हमारे पास, वो मंथ जोड़ता है, वन दिया तो यानी एक मंथ जुड़ के आ गया। तो ये फार्मूला मैं लगा सकता हूँ, ये फार्मूला मैं लगा सकता हूँ। बस इस फार्मूले में मैंने, जैसे अगर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। अब मुझे ये चीज़ करनी है कि जो एंड डेट से बड़ा ना हो, वहाँ ब्लैंक दिखा दे बस। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसमें एक इफ का फॉर्मूला डाल दूंगा कि इफ ई डेट जो है, अगर हमारी एंड डेट बड़ी है या वो है, तो ई डेट का यही फॉर्मूला चला दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। ठीक है जी, इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ। अब इसको ले जाता हूँ ड्रैग करके, जहाँ तक ये था वहाँ तक ले गया। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई, ओके, दूसरी चीज़ ड्रैग कर दी, ये फॉर्मूला ड्रैग करना था, तो ये ड्रैग करके ले आया, ये वहाँ तक का डेटा दिखाने लगा। हाँ, एक मैंने गलत चीज़ फिक्स कर दी, क्योंकि ई डेट तो हमेशा इसके बेस पे बदलता रहेगा, तो इसको फिक्स नहीं करना। हाँ, इसको फिक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ से अब ले जाता हूँ जहाँ तक था यहाँ तक। ठीक है जी, अब ये क्या है कि वहाँ तक दिखा रहा है, जैसे अक्टूबर 9 है वहाँ तक दिखा रहा है, उसके आगे ब्लैंक दिखा रहा है, और ब्लैंक में ई डेट का फॉर्मूला काम नहीं करता, इसलिए आगे एरर दिखा रहा है। इसमें क्या कर देंगे, एक इफ एरर का फॉर्मूला और दे देंगे, जहाँ एरर से परहेज करना हो वहाँ इफ एरर का फॉर्मूला दे दीजिए। ये भी हो गया। अब मैं इसको यहाँ तक ले आया, मैक्सिमम वैल्यू तक। अब मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, तो ये मेरी कंट्रोल हो रही है वैसे की वैसे। ठीक है सर, अब ऊपर वाला मंथ तो आ गया मेरा, अब मंथ से मुझे डेटा उठाना है। यहाँ नाम तो सेम ही है, तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसमें से ये चार वैल्यू उठानी है जहाँ मंथ का नाम मैच कर जाए। ठीक है जी,
इधर लगा दूंगा इंडेक्स, एरे जो है यहाँ मुझे इसमें से पता लगाना है कि ये कहाँ पे है। ए बी, अरे E63, नो नो नो, अच्छा मैच मैच का फंक्शन मैच का लगेगा। मैच में मुझे ये पता लगाना है कि ये जो वैल्यू है वो ही इंडेक्स पोजीशन ला के देगा ना मुझे। ये जो वैल्यू है पार्शियली तो कर लेता हूँ, वो इसमें कहाँ पे है? मैच टाइप 0, तो इस क्या एरर क्यों दिखा रहा है? यहाँ पहली वैल्यू नहीं आई, कॉमा, इसको थोड़ा सा रो फिक्स करनी है। ठीक है जी, जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये मुझे इंडेक्स पोजीशन बताने लगा कि ये वैल्यू कहाँ पे है। अब उस रो की वैल्यू मैंने उठानी है सारी। ठीक है जी, सिलेक्शन में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट। जैसे मुझे मार्च की वैल्यू चाहिए तो ऑफसेट का मैंने फॉर्मूला लगाया, और रेफरेंस यहाँ से थर्ड बता रहा है, मैंने ये चूज़ कर लिया। इसको मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि 0 रो और 0 कॉलम यहाँ लेगा, और इंडेक्स जो क्या करता है 1 से स्टार्ट करता है, तो मैंने 0 0 यहाँ डेड कर दिया। अब ये जब भी बढ़ेगा, जनवरी तो 1, फरवरी तो 2, मार्च तो 3, जो कि एक्चुअल होना ही चाहिए। ठीक है सर, तो रेफरेंस वो ले लिया। दूसरा रोज यहाँ से, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो में काम करूँगा तो पहली रो का डेटा यहाँ से उठा लेगा, और कॉलम का डेटा जो है वो यहाँ से उठाएगा। तो 6503 मार्च में जेम्स क्रिक का था, तो 6503 मार्च में ये रहा। ठीक है जी, तो असल में ये फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो इसके अंदर बिल्ट कर देता हूँ मैं, मैच के अंदर। मैच कॉलम के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑफसेट। रेफरेंस जो रहेगा मेरा वो ये हो गया, फिक्स कर दूंगा इसे। रोज कितनी रोज लेनी है, रोज मैं यहाँ मैनुअल दे देता हूँ, और नहीं तो एक इंडेक्स का फॉर्मूला और लगा सकता हूँ कि इस नाम से भी सर्च कर लेगा ये। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही दे देता हूँ। कॉलम में मेरा ये फार्मूला होगा मैच का, बस ये। ठीक है जी, अब बस मुझे इसको ड्रैग करना है कहाँ तक, जहाँ तक फार्मूला है। अब इसमें भी एरर आ रही है, तो इस एरर का फार्मूला दे देते हैं, वो अपना काम कर लेगा। इफ एरर, अब जब इसको ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे पहले मैं हाईएस्ट चला जाता हूँ, कितना है, 23, 24, 25, 25 पे एरर आ रही है, यानी 24 तक लास्ट है। तो अब मेरी सारे कॉलम विजिबल हैं, मैं अपना आराम से डेटा ड्रैग कर सकता हूँ कहाँ तक करना है मुझे। यहाँ तक ड्रैग कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब क्या चेंजेस करने हैं मैंने, इसको यहाँ नीचे ड्रैग करना हो, मुझे एक चीज़ बस बदलनी है यहाँ से, इंडेक्स नंबर, ये जो अपना रो नंबर होगा इसको तो यहाँ 2 कर दूंगा, यहाँ मैं 3 कर दूंगा, यहाँ मैं 4 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको यहाँ तक पूरे तक ड्रैग कर दिया मैंने।
पूरा फॉर्मूला। अब देखिए क्या होता है, एक दो तीन चार किस चीज का था ये? ये सर रो का था। देखिए ऑफसेट का फॉर्मूला क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर ऑफसेट फॉर्मूला में तो रेफरेंस पहला ये हो गया, ठीक है जी। अब ऑफसेट का फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है, रेफरेंस मैंने ये ले लिया, मैंने बोला जीरो रो और जीरो कॉलम की वैल्यू दो, तो जीरो रो और जीरो कॉलम में क्या देगा, जीरो रो जीरो कॉलम ये खुद ही है। मैंने कहा जीरो रो और वन कॉलम की वैल्यू दो, तो जीरो रो यही हुई हमारी, वन कॉलम यहाँ आ गया जनवरी, ठीक है जी। सही है। अब वही मैथ से हम पता लगा रहे हैं, हमने जनवरी से लेकर यहाँ तक डेटा सिलेक्ट किया, हमने कहा कौन सा इंडेक्स पोजीशन पे ऊपर वाला, उसमें बोला वन, तो ये ऑफसेट ने फिर वो वन का डेटा दे दिया। अब ये जो मैन्युअली कर रहे हैं ये रो का डेटा है। अब वन बोलने का मतलब है यहाँ से एक नीचे आया, जेम्स क्रिक का दे रहा है, ऐसे ल्यूक स्वाकर तो ये दूसरे नंबर पे था, तो रो का डेटा मैंने यहाँ से दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो रो ही चेंज की है मैंने, ठीक है जी। रो रेफरेंस रो ठीक है। यहाँ मैनुअल दे दिया, कॉलम मैच से उठवा लिया। मैच में क्या कर रहा हूँ, इसको फाइंड करा रहा हूँ ऊपर वाली हेडिंग में कि कहाँ पे है। रेफरेंस वही रहेगा D149 ऑल द हाँ टाइम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब ये सारा का सारा जो डेटा है मेरा हो गया ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, ये वहाँ से इस डेट के हिसाब से ला रहा है, मतलब अगर यहाँ पे अगर 2 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये स्टार्ट डेट फरवरी है और फरवरी को ये ढूंढ रहा है इसके अंदर, और ये बोल रहा है दूसरी पोजीशन पे रो नंबर 1 है, तो ये उसकी वैल्यू उठा के मुझे यहाँ से यहाँ दे दे रहा है, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इस डेटा में आ रहा है फिल्टर होके यहाँ से डेटा, और इस डेटा में ऐड क्या कर दिया मैंने, डेट का भी फंडा, ठीक है जी। तो अब ये पूरा डेटा मेरा डैशबोर्ड बनाने के लिए तैयार है, ठीक है जी। तो मैं वहाँ तक जाता हूँ, इसका डेटा को फुल कर देता हूँ। अब ये पूरा डेटा हो गया, इस पे मुझे क्या लगाना है, अपना चार्ट लगा देना, इंसर्ट करके नॉर्मल कॉलम चार्ट इंसर्ट कर दिया मैंने। ये सब चाहिए नहीं चाहिए ये अपनी मर्जी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट में क्या क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। अब आप देखेंगे ये चार्ट सेम वही फंक्शन करेगा जो हम चाह रहे थे। अब हमने रीजन अगर सिलेक्ट कर लिया यहाँ से 2, तो ये रीजन के बाद अपडेट हो रहा है, क्योंकि फुल डेटा अपडेट हो रहा है ना, 1 से लेकर मैंने कहा 5 तक, यानी ईयर में, तो वैसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि डेटा चेंज हो रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है सर। तो ये चार्ट बस खाली खेल है, इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरे पे, साफ सुथरा, यहाँ तो बहुत गंदगी फैला दी है। अब यहाँ देखते हैं, बस हमें डैशबोर्ड में असेंबल करनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कोई भी जैसी आपको चाहिए वैसी लगा लीजिए, यहाँ से ये चार्ट पर कट करके यहाँ ले आया। इसको मैंने डिलीट कर, ग्रिड लाइन डिलीट कर दी, इस पे मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल कर सकता हूँ या कुछ भी, सॉलिड फिल या ग्रेडियंट जो चाह रहा हूँ। सही है। इसको मैं थोड़ा सा लुक अच्छा दे देता हूँ, एक चार्ट मैंने यहाँ सेट कर दिया। इसकी आउटलाइन खत्म कर दे रहा हूँ, बॉर्डर कलर नो लाइन क्लोज, ये चार्ट इस तरह से दिखाएगा। अब क्या करना है, हमें फिल्टर ऐड करने हैं, फिल्टर के अंदर मैंने बताया था, फिल्टर के लिए मैं एक पैनल ऐड कर देता हूँ सिंपल, यहाँ से मैंने इसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको रेडियो बटन यूज़ करने हैं तो आपको उनको ग्रुप बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा, तो सेपरेट यूज़ होंगे। अब ग्रुप बॉक्स में एक पे मैं डाल देता हूँ पहला,
पहला जो है रीजन का, इसको चाहूँ तो मैं 3D लुक दे दूँ थोड़ा सा तो ठीक ठाक लगेगा। ये 3D लुक में आ गया, इसके अंदर मैंने अब रेडियो बटन फटाफट डाल दिया। ये रेडियो बटन है, कितना हमारा रेडियो बटन जो है रीजन के हमारे 5 ऑप्शन रहेंगे, स्टार, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। वेस्ट। तो ये 5 ऑप्शन जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इनको अलाइन कर लूंगा, अलाइनमेंट डेवलपर में है कि नहीं है, अलाइनमेंट का हिसाब किताब ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही मैनुअल अनाइल कर लेते हैं। ठीक है। बड़ा कर देता हूँ, यहाँ मैंने ऑप्शन आए इनका नाम कर लेंगे। पहले वाले को तो हम डायरेक्ट ऑल दे देते हैं, ठीक है जी। ठीक है। दूसरे वाले का नाम जो भी है यहाँ से देख के, क्या है दूसरे वाले का नाम, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट करके। तो ईस्ट, इस नोट का नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब मुझे क्या करना है, इनका जो सेल लिंक देना है फॉर्मेट कंट्रोल में जाके, सेल लिंक मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ से दे देना है। कौन सा, रीजन वाला, ये दे दिया। ओके, यहाँ बस। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे अपने फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, ये डेटा फिल्टर होने लगेगा, ठीक है सर। हो रहा है, क्योंकि ये ऑल का कर रहे हैं तो एक रिटर्न करेगा यहाँ पे। जैसे ऑल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक रिटर्न कर रहा है, और जैसे ही दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ दो रिटर्न करेगा, ठीक है जी। दो क्या करेगा, वो इसमें से ढूंढेगा दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आया तो यहाँ पे ये फिल्टर एक्टिवेट हो गया कि ईस्ट का डाटा ढूंढो, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या है उसके हिसाब से ये डेटा ईस्ट का ही मिल रहा है आपको, ठीक है सर। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो ये एक तो आपका ये हो गया, एक फिल्टर मैंने ये लगा दिया। इसी तरह से बाकी ठीक है। आपके दो फिल्टर और लगेंगे। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कॉम्बो बॉक्स में ये दोनों कैसे फिट की जाएंगे। कॉम्बो बॉक्स में बहुत ही आसान है, आप जब भी, पहले तो रेडियो बटन जब भी यूज़ करेंगे ना, अगर आप इंडिविजुअल इनका सेलिंग एक साथ चाहते हैं तो इनको ग्रुप बॉक्स के अंदर रखें, तभी ये इंडिपेंडेंट वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या ठीक होगा, है। मतलब आपको अलग से ऐसा ग्रुप बना के फिर वहाँ आप कस्टमर या अगला है तो इसके अंदर वो डालिए, तो वो अलग से चलेंगे, अदरवाइज दिक्कत करेगा आपको। कस्टमर का आप यहाँ पे डालेंगे ग्रुप बॉक्स में। बाकी मैं दिखाता हूँ कि अपना कॉम्बो बॉक्स एक स्टार्ट मंथ के लिए, एक एंड मंथ के लिए, अब यहाँ से चूज करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, इनपुट रेंज, इनपुट रेंज में हमें यहाँ पे हमने अलग से वो रखा था
ये पूरी लिस्ट मंथ की, ये मंथ की पूरी लिस्ट जहाँ तक है उठा लेंगे सर। लिंक जो है स्टार्ट वाले के लिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट वाले के लिए यहाँ से ले रखा है, ठीक है जी। ओके, अब क्या होगा इसमें, ये उससे ले लेने लगेगा डेटा, ठीक है जी। एंड वाले के लिए फॉर्मेट कंट्रोल सेम चीज़ करेंगे, लिंक डेटा वहीं से ही उठेगा सारा, सेल लिंक में डेटा वहीं से उठेगा इनपुट रेंज में, और सेल लिंक इसका चेंज हो जाएगा एंड डेट पे, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, यहाँ से नंबर जो भी सिलेक्शन होगा उसका नंबर यहाँ दे देगा, उसके नंबर पे बेस पे ये यहाँ से मंथ चूज कर लेगा, ठीक है जी। तो मैंने चूज किया यहाँ जनवरी, और यहाँ से चूज कर लिया लास्ट से अक्टूबर। तो यहाँ से मैं कुछ भी देता जाऊँगा वो वैसा स्टार्ट डेट एंड डेट की तरह सिलेक्शन देगा, ठीक है सर। फुल कहता हूँ तो फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा उठा लिया, ठीक है सर। ये चीज़ समझ आई सर? हेलो 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 नरेश जी, हाँ जी, तो ये समझ आया? हाँ क्लियर हो गया। चलिए बाकी जो बचा खुचा है इस पे हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है सर। संडे को स्पेशल ठीक है ठीक है, एक बार और रिव्यू ले लेंगे। अभी आपको मैंने कंट्रोल से अटैच करना बता दिया, अब वो उसका लॉजिक कैसे फिट करेंगे कि सेल्स के साथ जो मैंने ये वाला दिया है इसका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी। वैसे ठीक मैं है, बता देता हूँ, अभी ओके। भी कोई बड़ा नहीं है। जो हमने रेड येलो ग्रीन बनाए थे और यहाँ पे पॉइंटर हाँ एक लिया था, यहाँ पे जो है ना पॉइंटर से पहले एक नंबर लिया था उसको क्या करना है, हमने टोटल सेल लेनी है, यानी ऊपर का सबका सम कर लेना है, और उसके बाद फिल्टर्ड वाली लेनी है, यानी कि जो डेटा से आ रही है इस पे एक सम लगा दिया, इन दोनों का डिवाइड करके यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया, 100 से डिवाइड कर, परसेंटेज 1 से 100 तक ही आएगी। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जैक्टली फिल्टर चेंज होगा तो जो हमारा जो चार्ट है वो इस पे बना हुआ है, ठीक है सर। तो ये चीज वहाँ इफेक्ट कर देगी, मतलब यहाँ पे अलग अभी 21% है, अगर कोई और फिल्टर होता है यहाँ मान लीजिए 10 आ गया तो यहाँ अपने आप 8% है, क्योंकि ये इसका 8% है, यहाँ 8% आ गया, ऐसे डैशबोर्ड में तुरंत चेंज हो गया 8% से, ठीक है जी। ठीक तो ये है, सिंपल है, बाकी इसको एक बार और आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना बने तो फिर बताइए, ठीक है सर। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। है सर।